वास्तु विज्ञान में घर में भवन में सुख शांति और समृद्धिदायक कुछ ऐसी पेंटिंग्स या कुछ ऐसे चित्र होते हैं जिससे भवन में शांति प्राप्त होती है, पॉजिटिव ऊर्जा हमको मिलती है। इसमें सबसे पहले आपको लगाना चाहिए तैरते हुए बत्तख, हंस, तैरते हुए हंस, ये बहुत ही शुभ माने गए हैं भवन में। इसके अलावा भवन के यानी घर के ईशान में, ईशान यानी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट जोन में गिरते हुए पानी का एक झरना, वो लगाना भी बहुत ही लाभदायक माना गया है। आप असली फाउंटेन भी खरीद सकते हैं बाज़ार में, वो भी नॉर्थ ईस्ट के कोने में आप लगा दीजिए, वो भी घर में बहुत सुख शांतिदायक माना गया है, क्योंकि घर में पूरा एनर्जी का फ्लो नॉर्थ ईस्ट से ही होता है। ईशान को यानी नॉर्थ ईस्ट को हम कहते हैं अपना सिर, आँख, नाक, कान, ये सब ईशान में है। वैसे ही भवन में ही ईशान का सबसे ज़्यादा महत्व माना गया है, और पानी का बहना वहाँ पे बहुत ही मंगलकारी, अपने शास्त्रों में इसका वर्णन आया है। तो नॉर्थ ईस्ट में एक गिरते हुए झरने की या असली झरना बाज़ार में बहुत मिलते हैं, वो आप लगा दीजिए। इसके अलावा एक पेंटिंग जो फैक्ट्रियों में, ऑफिसों में, दुकानों में, घर में, कहीं भी आप लगाते हैं तो ऊर्जादायक मानी गई है, यानी जिसको हम कहते हैं सेवन हॉर्स पेंटिंग, यानी सात घोड़ों की पेंटिंग, और घोड़े होने चाहिए दौड़ते हुए। अभी कोई मोटर ख़राब हो जाती है घर में तो हम बाहर में हार्डवेयर की दुकान में जाके पूछते हैं, भाई ये मोटर कितने एचपी की है, कितने हॉर्स पावर की है, यानी अश्व शक्ति। तो सात घोड़ों की पेंटिंग घर में लगाना बहुत ही शुभ माना गया है। फिर आप पूछ सकते हैं कि सात घोड़ों की क्यों, पांच घोड़े भी हो सकते हैं, चार घोड़े भी हो सकते हैं, दस घोड़े भी हो सकते हैं, लेकिन एक प्राचीन ग्रंथ में मेरे को मिला है कि सात घोड़ों का महत्व तो बहुत है। जैसे इंद्रधनुष में सात रंग होते हैं, एक सप्ताह में सात वार होते हैं, सात हमारे जो शरीर के चक्र हैं, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनहत, ये सात चक्र हैं। सप्तऋषि ऊपर जो आप देखते हैं रात को, सप्तऋषि, सात ऋषि। फिर इसके अलावा कई बार हम यह मानते हैं, जैसे ग्रह भी हैं, ग्रह भी मुख्य तो सात ही हैं, राहु केतु तो छाया ग्रह हैं, ग्रह भी मुख्य सात ही हैं, तो सात का महत्व तो ऐसे फेरे भी हम शादी में लेते हैं तो सात फेरे लेते हैं, यानी सात का महत्व तो कहीं ना कहीं ज़रूर मिलता है। तो सात घोड़े की पेंटिंग, दौड़ते हुए घोड़े की पेंटिंग होनी चाहिए। अब है कि किस दीवार पे लगाएं, ईस्ट की, वेस्ट की, साउथ की, नॉर्थ की, नॉर्थ ईस्ट की, साउथ ईस्ट की, साउथ वेस्ट की, नॉर्थ वेस्ट की, कौन सी दीवार, कौन सी जगह, कौन से कोने में लगाएं। तो इसमें सबसे ज़्यादा महत्व तो यह है कि घोड़े अंदर आते हुए होने चाहिए, जैसे रोड से या मार्ग से या सड़क से हमारे घर में अंदर की ओर आ रहे हैं, यानी सब घोड़ों का मुंह हमारे घर की ओर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो बाहर की ओर देखते हुए आपने पेंटिंग लगा दी, वो उल्टा हो जाता है। दूसरी चीज़, दौड़ते हुए घोड़ों के पीछे अगर आप एक ऑरेंज कलर का, जैसे सूर्य उदय हो रहा है, ऐसी पेंटिंग मिल जाएगी आपको, पीछे नारंगी रंग का उगता हुआ सूरज और उसके बाद में वो सात दौड़ते हुए घोड़े, मिट्टी उड़ रही है, इस टाइप से वो पेंटिंग सबसे बढ़िया मानी गई है। वो अपने आप को खुद ही वो ऊर्जित होती है, तो वो सामने अगर हमारे रहती है तो हर व्यक्ति में एक ऊर्जा का आभास होता है, अश्व शक्ति का। आपको पता है घोड़ा कभी थकता नहीं है। पुराने राजे महाराजे जयपुर से एक पैगाम भिजवाते थे दिल्ली, सुबह आता था और शाम को वो वापस जयपुर पहुँच जाता था। वो घोड़े के ही सवारी, घोड़े को ही यूज़ करते थे, क्योंकि घोड़ा कभी थकता नहीं है।
दूसरी चीज़ भी एक शायद आपको मालूम हो कि घोड़ा अक्सर प्राय कभी बैठता नहीं है, वो सोता ही खड़ा खड़ा ही है। तीसरी चीज़, घोड़ा अपने मूलाधार चक्र को हमेशा संकुचित करता रहता है। कभी भी आप ध्यान से देखेंगे तो वो संकुचित करता हुआ हर 10 मिनट 20 मिनट में मूलाधार चक्र को, जो एनर्जी का सेंटर मानते हैं, उसको संकुचित करता रहता है और उसी से उसको ऊर्जा मिलती रहती है। इसीलिए 7 घोड़ों का या घोड़ों का महत्व हमारे वास्तु विज्ञान में बहुत माना गया है। तो आप भी एक सुंदर सी पेंटिंग 7 घोड़ों की अपने भवन में लगा लीजिए।